कभी नहीं हुआ। हम चाहते थे कि इससे एक ऐसा प्रोसेस जो है वो सामने लाया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे वन मैन का शो का जो है, वन मैन शो का जो है तासर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो। वहां भी जमहूरियत जो है, अगर इस हाउस जैसी जमहूरियत नहीं और जो भी बड़े असूल हैं जमहूरियत के उनके ऊपर अमल दरामद हो। हमने कोई बाहर से बंदा उसमें भी नहीं डाला, हमने सिर्फ ये किया है या ये तजवीज किया कि जो इख्तियारात इस वक्त एक्सरसाइज किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका जो बेस जो है वो वाइडन किया जा सके, इंसाफ जो है उसकी शफाफियत जो है बढ़ाई जा सके। इस तरह नहीं कि वन मैन शो हो, वहां भी आमरियत की जो है वो शायबा हो या आमरियत का कोई सिलसिला वहां भी कंटिन्यू किया जाए, उनकी रवायात जो हैं उनको मिसमार किया जाए, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। अब ये क्या किया जाए? हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो, हम चाहते हैं कि ये हाउस जो है उनकी इज्जत करे, अदलिया की इज्जत करे। लेकिन जनाबे वाला, जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि हुकूमत जो है या पार्लियामेंट जो है वो अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, हमारा जो ट्राइकोटमी का प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता, और वो एप्लीकेबल है अदलिया के ऊपर भी। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते, पार्लियामेंट सॉवरन है। पार्लियामेंट जो है, मैंने पहले भी अपनी तकरीरों में कहा है कि पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है आईन ने। पार्लियामेंट का इस ट्राइकोटमी में भी एक ऐसा रोल है जो मुतबर्रक है, जो मुकद्दस है आईन की रूह से। उस प्रिंसिपल को हमें तो कह रहे हैं कि डिक्टेट ना करें, लेकिन वो एप्लीकेबल जो है अदलिया पे भी है, सुपीरियर जुडिशरी पे है कि वो भी किसी और अदारे को डिक्टेट ना करे, वो भी ट्रेसपास ना करे किसी और टेरिटरी के ऊपर। जनाबे डेप्टी स्पीकर, ये सिचुएशन जो है ये ज्यादा देर चलनी जो है पाकिस्तान की जो आईनी जो अरेंजमेंट है उसके लिए नुकसानदेह है। ये लोग, दे आर ड्रिवन बाई देयर पर्सनल इंटरेस्ट। ऑडियो लीक्स में भी अगर आज नोटिस लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जिस शख्स ने वो एप्लीकेशन दी है वो ऑडियो लीक्स में वो इन्वॉल्व है। आप जो है छुप के करें जुर्म या जाहिरी करें जुर्म, जो है जुर्म जुर्म ही रहता है, अगर उसका नोटिस लिया जाए बाकायदा अदारे की, इस अदारे की जो है कमेटी के जरिए, या जो है अदलिया के एक तीन सीनियर काबिल एहतराम जज साहिबान हैं जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो थे हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद, उनको उनका हेड बनाया, वो उनकी तबाह नाजक पे नागवार गुजरा और उसका उन्होंने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। जनाबे वाला, सियासतदान जो हैं, माजी में हमने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन हम अपने मामलात के ऊपर खुद कभी जो है किसी और को बिठा दें, अपनी मर्जी के बंदे को बिठा दें, इस किस्म का हम जो है कोई दो नंबरी कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की जो है वो दो नंबरी नहीं देखी कि आप जो है इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप सबसे बड़ी कुर्सी इंसाफ की जो है उसके ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे मौजूआत या ऐसे केसेस या ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं या ऐसे तनाजात जो हैं जिनमें आपकी जात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मुलव्वस है या एक्यूज्ड है, आप उस पर किस तरह बैठ सकते हैं? हम आपकी वसातत से एड्रेस करता हूं कि हम आपकी इज्जत को एनहांस करना चाहते हैं।
एक मजबूत काबिले एहतराम और तमाम शको शुबा से बाला अदलिया किसी भी माशरे के लिए जो है वो जरूरी होती है। कोई भी माशरा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता एक ऐसे जिस जस्टिस सिस्टम के बगैर जो शको शुबा से बाला हो। लेकिन जो ये किया जा रहा है, मैंने दो चीजें आपके सामने रखी हैं, एक ऑडियो लीक्स का जो कमीशन बनाया गया और दूसरा जो एक्ट हमने पास किया उसका किस तरह नोटिस लिया गया। ये कैसी रवायात जो है उनको मुरतब कर रहे हैं, ये रवायात जो है काबिले फख्र नहीं होंगी, ये रवायात जो है काबिले शर्म होंगी। जो भी इस रवायात का आर्किटेक्ट होगा उसके लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी ये काबिले शर्म होंगी। इस मुल्क में हमारी तारीख में ऐसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं बार बार नाम लेते हुए मुझे थोड़ी सी हया आती है, ऐसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं शायद उनके आने वाली नस्लें अपनी वल्दियत बताते हुए शर्माते हों कि हम किन के जो है वो चश्मो चराग हैं। ऐसी रवायात ना बनाएं कि जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे हो वहां पे आप इंसाफ का तराजू जो है अपने हाथ में थाम लें। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए और अभी आज जो है एक एप्लीकेशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। मैं कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करना चाहता विच आर बियॉन्ड मी, जो मेरा वसीयत इस मेंबर असेंबली के मेंबर के पार्लियामेंट के मेंबर से जो मेरे लिए हो सकता है ममनुआ इलाका हो। लेकिन जब हमारी टेरिटरी जो है ब्रीच होगी, जब हमारी टेरिटरी जो है वो ट्रेसपास होगी, तो देन दिस हाउस इज कंपेल्ड टू रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स रोबस्ट।